तो अभी कुछ ही दिनों पहले वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की एक फोटो खींची है। We have seen and taken a picture of a black hole. और आपने ये फोटो न्यूज में देख ही ली होगी, क्योंकि ये धुंधली सी दिखने वाली फोटो काफी बड़ी न्यूज बन गई है। ऐसा क्यों? दरअसल ये फोटो ब्लैक होल की अब तक की पहली फोटो है। इससे पहले किसी ने भी ब्लैक होल को नहीं देखा था, और इससे पहले जो भी ब्लैक होल की फोटो हम देखा करते थे वो इंसान द्वारा बनाई गई थी। ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स की सबसे रहस्यमय चीजों में से एक है, और आपने भी इसके बारे में कई अजीबोगरीब बातें सुनी होंगी। लेकिन इस ब्लैक होल में ऐसा क्या है और इसके बारे में हम ऐसा क्या जानते हैं कि हमें इतना अजीब लगता है? ब्लैक होल्स हमारे यूनिवर्स में मौजूद ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके अंदर का गुरुत्वाकर्षण बल, उनके अंदर की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि अगर कोई भी तारा, पत्थर, गैस या प्लैनेट उसके ज़्यादा करीब आ जाए तो ये ब्लैक होल उसे अपने अंदर खींच लेता है। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट भी उससे बच के नहीं निकल सकती। ब्लैक होल लाइट को भी अपने अंदर खींच लेता है और इसीलिए वो हमें काला दिखाई देता है। ब्लैक होल की इस पिक्चर में जो ऑरेंज लाइट हमें दिखाई दे रही है, ये उसके चारों ओर घूमने वाली गैसेस हैं जो ब्लैक होल की तरफ खींचते खींचते गर्म होती जा रही हैं। इस ऑरेंज लाइट की वजह से ही हमें पता चला कि ये ब्लैक होल है, वरना तो स्पेस में बिना इस लाइट के ब्लैक होल क्या ही दिखेगा। ब्लैक होल की फोटो में जो काला हिस्सा, जो ब्लैक पार्ट हमें दिखाई देता है, वो असली होल नहीं है। इसे इवेंट होराइजन कहते हैं और इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि अगर कोई भी चीज़ इवेंट होराइजन से आगे चली जाए तो वो कभी वापस नहीं आ सकती। तो अगर ब्लैक वाला पार्ट इवेंट होराइजन है तो फिर असली होल कौन सा है? वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्लैक होल एक बहुत ही छोटा पॉइंट है जिसके अंदर काफ़ी सारा मटेरियल, काफ़ी सारी चीज़ें सिमट सिमट के इकट्ठा हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ ब्लैक होल्स एक पिन की टिप जितने हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर हमारे सूरज से कई सौ, कई लाख गुना ज़्यादा मटेरियल समा सकता है। मतलब इतना सारा मटेरियल जो हम सोच भी नहीं सकते एक पिन की टिप पे। माना जाता है कि कुछ ब्लैक होल्स, सारे नहीं, कुछ तारों के मरने की वजह से बनते हैं। तो जब भी कोई बड़ा तारा हमारे सूरज से 10-20 गुना ज़्यादा बड़ा मरता है, जब उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो वो फट जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसकी वजह से सुपरनोवा बनते हैं। और फिर धीरे धीरे वो सारा मटीरियल एक ही पॉइंट पर सिमट सिमट के इकट्ठा होने लगता है और ब्लैक होल का रूप ले लेता है। ब्लैक होल अलग अलग साइज़ के होते हैं, कुछ छोटे तो कुछ बहुत बड़े, और ये ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स में कहीं भी मौजूद हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि हर गैलेक्सी के बीचों बीच एक ब्लैक होल होता है, और हमारी गैलेक्सी के बीचों बीच जो ब्लैक होल है उसे सेजिटेरियस ए स्टार कहा जाता है, और ये ब्लैक होल हमारे सूरज से करीब 40 लाख गुना ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि हमारी गैलेक्सी के बीचों बीच भी एक ब्लैक होल है, मन में सवाल तो यही आता है कि क्या इससे हमारी पृथ्वी को भी खतरा है? क्या ये ब्लैक होल हमारी पृथ्वी को भी खींच सकता है? इसका छोटा सा जवाब है, नहीं। किसी भी चीज़ को ब्लैक होल के चंगुल में आने के लिए उसके करीब होना ज़रूरी है, और हमारी गैलेक्सी का ब्लैक होल हमारी पृथ्वी से बहुत 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 दूर है। तो उदाहरण के लिए, अगर कोई भी सूरज जितना ब्लैक होल सूरज जितनी ही दूरी पर आ भी जाए, तब भी हमारी पृथ्वी को उससे कोई खतरा नहीं है और वह आराम से उसके आसपास अपने चक्कर लगा सकती है। ब्लैक होल की ये फोटो तो हमें आज दिखी है, लेकिन करीब 1915 में आइंस्टाइन ने एक थ्योरी में ब्लैक होल का जिक्र किया था। ये शायद आपको पता ही होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि उसी समय भारतीय वैज्ञानिक रामानुजन ने भी ब्लैक होल के बारे में कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलेज दिए थे, जो तब तो किसी ने नहीं समझे, क्योंकि तब लोगों को लगा क्या हवा में बातें कर रहा है। लेकिन 2012 में एमरी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बताया कि रामानुजन के दिए हुए फॉर्मूलेज ब्लैक होल के बारे में हमें काफ़ी कुछ है जो बता सकते हैं। तो मतलब जब ब्लैक होल का कोई ख्याल ही नहीं था, कोई जिक्र ही नहीं था, कुछ थॉट ही नहीं था, तब ये लोग थ्योरी और फॉर्मूले लिख रहे थे।
कौन हैं ये लोग, मतलब अब तो नहीं है, कौन थे ये लोग। और हमारी गैलेक्सी का ब्लैक होल उससे काफी 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 दूर है। कुछ भी बातें कर लो, ब्लैक होल ये सब मच्छर वगैरह, असली जिंदगी यही है। तो ये तो थी ब्लैक होल के बारे में थोड़ी सी जानकारी। और मैं तो चिल्लाती क्यों, वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की एक फोटो खींची है और ये फोटो आपने, मेरा माइक गिर गया, मेरा माइक गिर गया। क्या हो, क्या जाता है भाई तुझे?